दोस्तों आप लोगों ने एक मैसेज ना घर घर तिरंगे के नाम पे जो लाखों लोगों ने अपने घरों के छत पे ना तिरंगे लगा लिए थे, मेहरबानी करके हाथ जोड़ के ना उनकी पहले एक बार हालत देख लो आप लोग। ठीक है, एक बार आपने झंडा लगा दिया, लोगों ने बोला और आपने लगा दिया कि भैया मैं सबसे बड़ा देशभक्त होकर के लिए मेहरबानी करके ना झंडे को ना हर 15 या 20 दिन में वॉश किया करो, धोया करो। ठीक है, और साल साल भर से तुम्हारा झंडा निकला नहीं है, फट गया है, चिथड़े मच चुके हैं और काला हो गया बुरी तरह से। ये हमारे देश की शान है, हमारे देश की आन बान है, हमारे देश का जलवा है, हमारे देश का लोकतंत्र है, हमारे देश का संविधान है। ठीक है, इस तिरंगे को पाने के लिए हमारे देश के जो योद्धा है ना वो स्वतंत्रता सेनानी है, हमारी देश की जनता ने अपना लहू देकर इस तिरंगे के मान और सम्मान को बनाए रखा है। ठीक है, तो मेहरबानी करके जब भी आपसे हाथ जोड़ के मिलती, जब भी आप इस झंडे को तिरंगे को अपने घर के ऊपर लगाए ना और इसका जो एंगल जो लगाएं तो तकरीबन अच्छा रिस्पेक्टिवफुल एंगल में इसको शामिल करें। अगर आप डोर नहीं बांध सकते, आप डोर बांधने में आपको बहुत परेशानी महसूस, मेहरबानी करके आप डंडे के अंदर भी इसको शिफ्ट करते हैं ना, तो डंडे को इस तरीके से आप उसको एंकर करेगी ताकि उसको हमेशा खोला भी जा सके आराम से, ताकि वो डंडे को निकाल के आप फलक को निकाल के इसको अच्छी तरह सर्फ से वॉशेबल करके सुखा के आप प्रेस करके दोबारा झंडे को दोबारा लगाएं, ताकि झंडा लहराए तो उसको चमकना चाहिए, उसका जो लाल सफ़ेद और उसका जो चक्र है और उसका जो हरा रंग है ना, तीनों रंग में जो है चमक होनी चाहिए। ये नहीं कि झंडा लहरा रहा है और उसमें ना कलर का पता चल रहा है, क्यों? क्योंकि झंडे उतरते नहीं हैं और लोग इसको वास्ट नहीं करते हैं। मेहरबानी करके आपसे हाथ जोड़ के बेचती है कि इस झंडे को ना हर 15 या 20 दिन में, नहीं तो 1 महीने पक्का उतारें और इसको अच्छी तरह वास्ट करके दोबारा लगाएं और चढ़ाएं। ठीक है, ये देश का सम्मान है हमारे खुद, अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश के तिरंगे की आन बान सब बनी रहे तो देश की जनता को उसमें पूरा सपोर्ट करना होगा, कहने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।